अभिजा अमेनस न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। कार ने किसान को उड़ाया, पशुओं को लेकर बात कर रहा था सड़क। काटोल थाना अंतर्गत पशुओं को लेकर जाते समय किसान को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। सावर गांव क्षेत्र के ग्राम जुनोना फूके निवासी किसान अशोक भागवत फूके रोजाना सुबह अपने मवेशी को खुले क्षेत्र में चराने लेकर जाते थे। रविवार को शाम करीब 5 बजे वे मवेशियों को लेकर घर की ओर लौट रहे थे, तभी चिंचोली रोड पर एक चार पहिया वाहन क्रमांक MH40 के R9054 के चालक ने पीछे से आकर उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर अशोक बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें कमर, छाती और सिर में गंभीर चोट आई। अशोक को उपचार के लिए काटोल के अस्पताल लेकर जाते समय ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने चौपहिया वाहन को जब्त किया। सावर गांव पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आगे मामले की जांच जारी है। ज्ञात तो है कि पिछले दिनों मोदा थाना अंतर्गत भंडारा रोड पर भी एक चरवाहे को मवेशी ले जाते समय कार ने उड़ा दिया। सास ने की आत्महत्या, बहू पर मामला दर्ज। नागपुर आमतौर पर सास प्रताड़ना से तंग आकर बहू की आत्महत्या के मामले सामने आते हैं, लेकिन यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में बहू की वजह से सास ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने ससुर की शिकायत पर बहू के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया है। NTI क्वार्टर नाकी मंगलवार निवासी चंदा रामदास गुजबैल ने 1 अप्रैल 2019 की दोपहर अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी। उन्हें उपचार के लिए मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया था। दूसरे दिन उपचार के दौरान चंदा की मौत हो गई। यशोधरा नगर पुलिस ने आक्षेपण मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। जांच के दौरान चंदा के पति रामदास ने पुलिस को बताया कि घर की छोटी छोटी बातों को लेकर उनकी बहू श्वेता सास के साथ विवाद करती थी। आए दिन दोनों का विवाद होता था। इस बात से चंदा तंग आ गई थी। घटना के दिन भी बहू ने चंदा से विवाद किया। गुस्से में आकर चंदा ने खुद को जला लिया। पुलिस ने श्वेता के खिलाफ धारा 306 और 504 के तहत मामला दर्ज किया है। बुट्टी बोरी में महुआ शराब भट्टी पर छापा, 2.5 लाख का माल जब्त। बुट्टी बोरी पुलिस ने शनिवार को अचानक छापा मारकर एक शराब भट्टी को पकड़ा। बुट्टी बोरी में इन दिनों कई मोहल्लों में शराब मिल जाना आम बात हो गई है। शनिवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गवली टोला धवलपेट इलाके में एक सुनसान क्षेत्र में चल रही महुआ शराब भट्टी पर अचानक छापा मारकर सामग्री जब्त की। यहां भारी मात्रा में शराब उतारी जा रही थी और इसके लिए कई क्विंटल महुए को चढ़ाया जा रहा था। पुलिस ने इस प्रक्रिया में काम आने वाले 10 ड्रम तैयार 50 लीटर महुआ शराब, सड़ा हुआ महुआ और अन्य सामग्री जब्त की। तो MNS न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।